परिक्रमा मार्ग गोवर्धन दान घाटी। रात्रि के 11 बजे हैं, पुरुषोत्तम मास में सभी भक्त गिरिराज जी परिक्रमा दे रहे हैं। जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय जय राधे। ठाकुर जी की भक्ति में देखिए सभी कितने लीन हैं। मन चले वृंदावन की जय, गिरिराज धरण की जय। यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। जय गिरिराज महाराज की जय। राधे, आज हम गिरिराज जी परिक्रमा पे आए हैं और ये मेरे पीछे ये राधा कुंड है। आप सभी को राधा कुंड के दर्शन कीजिए। ये राधा कुंड के रात्रि के दर्शन हैं। ये राधा कुंड है और ये सामने श्याम कुंड है। इधर ये श्याम कुंड है। जय राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय 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 श्री राधे। बहुत हमारे जितने भी आचार्य हुए गौड़ी वैष्णव, उन्होंने बहुत महिमा गाई है, मतलब जीवन बिता दिया राधा रानी की सेवा। इनको यहाँ पर भी ब्रजवासी लोग ज़्यादातर राधा कुंड नहीं बोलते, राधा रानी बोलते हैं। राधा रानी के यहाँ जाना है, राधा रानी जाना है, तो राधा रानी है साक्षात। राधा का रानी का जल का स्वरूप है राधा कुंड। बहुत ही विशेष महत्व रखता है एक भक्त के जीवन में। यहाँ बहुत सारे रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य जो हमारे गोस्वामी हैं, उन्होंने तपस्या की, अपना जीवन बिताया यहाँ पर राधा रानी की सेवा। तो हुआ क्या था, एक बार भगवान जब बाल रूप में थे तो अरिष्टासुर को भेजा कंस ने। अरिष्टासुर बन के आया था बैल, था असुर लेकिन वो बन के आया था बैल, और भगवान को मारने का जैसे प्रयास किया तो भगवान ने उठा पटक करके उसको उसका वध कर दिया। तो ये बात पूरे में फैल गई, राधा रानी को भी पता चला। राधा रानी को पता थी कि ये घटना हुई है, तो राधा रानी ने बोला कि कान्हा तुम अब हमारे साथ विहार नहीं कर सकते, रास नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने एक गऊ हत्या की, गऊ को मारा है। तो भगवान ने कहा कि वो तो दैत्य था, वो तो गऊ थी नहीं, वो तो बैल नहीं था, वो तो दैत्य था। लेकिन राधा रानी ने कहा नहीं, आपने गऊ हत्या की है, अब आपको तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा, तभी आप पवित्र हो गए, तभी आप हमारे साथ विहार करने योग्य। तो भगवान ने कहा अच्छा बस इतनी बात है। हाँ, तो भगवान ने अपनी बांसुरी से इधर ये जो श्याम कुंड है इसको कुंड को खोदा और सब तीर्थों का बोला कि आप आइए पधारिए। तो भगवान ने जब खोदा बांसुरी से छोटा सा, उसमें सारे तीर्थ आके विराजमान, सारे तीर्थ, सारे गंगा जी, जमुना जी, काशी, हरिद्वार, सारे प्रयागराज वगैरह सब तीर्थ आ गए। तो अब भगवान ने उसमें प्रवेश किया, भगवान ने जो कुंड बना लिया था उसमें प्रवेश किया। तो अब राधा रानी को भगवान ने कहा लो अब तो हम पवित्र हो गए, लेकिन तुमने भी असत्य भाषण जो किया है, दोष आरोपण किया, असत्य दोष रोपण किया आपने, हम पर दोष लगाया, आप जानते थे कि वो दैत्य था लेकिन आपने झूठ तो बोला, और किसी निर्दोष के ऊपर दोष लगाना भी एक अपराध है, पाप है।
तो आप भी उस पाप से ग्रसित हो गए, अब आपको भी स्नान करना पड़ेगा तीर्थों में जाके। तो राधा रानी ने कहा जैसे आपने कुंड खोदा है हम भी कुंड, तो राधा रानी ने अपने कंगन से इस कुंड का निर्माण। तो फिर राधा रानी भगवान की तरफ देख रही हैं, तो भगवान ने तीर्थों को आज्ञा की कि आप इस जल में भी प्रवेश कीजिए। तो ये जल फिर राधा कुंड में, सारे तीर्थ राधा कुंड में भी आए। तो भगवान, राधा रानी और भगवान दोनों स्नान करते हैं दोनों कुंडों में। तो ये राधा रानी का स्वरूप है और वो श्याम सुंदर जी का स्वरूप है, और ये मुख्य स्थान है जहाँ पर भजन किया जाता है। और जो होई अष्टमी आती है उस दिन इसका प्राकट्य हुआ था, राधा रानी के इस कुंड का प्राकट्य हुआ था। तो उस दिन यहाँ लाखों अनगिनत लोग आते हैं परिक्रमा करने, और जो स्नान करते हैं। और बड़ा महत्व बताया जाता है कि जो होई अष्टमी जब प्राकट्य हुआ था उस दिन जो स्नान कर लेता है वो, उसको अगर कोई पुत्र भी नहीं हुआ तो पुत्र कामना से भी यहाँ स्नान किया जाता है और लोगों की कामनाएं। एक हमारे भक्त थे उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनकी साली और उनके हस्बैंड आए थे, उनको 7-8 साल से कोई बच्चा नहीं था, हमारे साथ आए और उनको ये पता चला, तो उन्होंने स्नान करने के लिए आए, फिर होई अष्टमी पे स्नान किया और 1-2 साल में उनका बच्चा। श्रीमती राधा रानी की जय। मैं आपको देख रहा हूँ मनीष जी, बोल जी को कि आज के बाद तुम्हारे को विष्णु पूजा कोई नहीं करेगा। तब भगवान ने बनाया नवी पुष्कर, तो जो शहर के अंदर है नवी पुष्कर पूजा होती है, पूरा पुष्कर को खाली देखते चले आते। और गंगा श्रेणाई तो गंगा की छोटी हुई जमुना है, बोले बोली महाराज छोटी बेल जमुना है उसको उलांकी नहीं जा सकती, अपमान होगा। तब भगवान ने बने पाताल मान सिंह का, जो जमुना जी के नीचे लाए ना, तो गंगा को नीचे निकाल के लाए, तो उसको तो मानस हो गंगा। तो कार्तिक मास की आते बोलाष्टमी, बोलाष्टमी भगवान ने कुंड बनाया बंसी से, जो बंसी कुंड है बनाया उसके नीचे कुंड है बद्रीनाथ कुंड है, किस भगवान का नाती अभूत का बेटा, गोदी बैठा के स्नान कराया, तो उसके नाम तो कुंड है बद्रीनाथ कुंड। तो भगवान स्नान कराया, भगवान जी राधा बोली आपका कुंड तो बन गया, आपकी तो महिमा हो गई, आपको यहाँ सब जाने का मुझके यहाँ कुंड जाने का। भगवान बोले अपना कुंड साथ बनाए, तो राधा जी बनाए कंगन से, जो कंगन से बनाया उसके नीचे कुंड कंगन, वो 30x30 का छोटा था। तो भगवान के कुंड में जल था, राधा कुंड में जल नहीं, तो राधा जी बोली आपको कुंड में जल है, मेरे कुंड में जल नहीं है। भगवान जी राधा जी बोली मेरे कुंड में जल नहीं, भगवान बोले बोले नहीं आपको जल दो से हम नहीं लेंगे, हम तो अपने सखियों के साथ जल लाएंगे मानसिंह का। तो सखियों के साथ जाती जल लाती वो खिलाती हूँ जब तक वो सूख जाता। तब भगवान से बोली महाराज आप ही कृपा करो तो जल हो गए। तो भगवान ने दोनों का मिलन बंसी से मिलन किया, तो मिलन हो गया। तो भगवान से बोले राधा जी कि मेरे कुंड में स्नान पूजा होगा पहले। भगवान बोले नहीं, क्योंकि मेरे कुंड में स्नान पूजा होगा पहले तो सारे तीर्थ में बुलाएं पाप उद्धार के मेरे में होगा। भगवान जी राधा बोली नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, पहले मेरे में होगा। तो आपस में झिड़े हो तो रात्रि के 12 बजे जब उनके गुरु आए, बोले महाराज आप बताओ कौन से कुंड में स्नान पूजा किया। तो गुरु के लिए दोनों एक बराबर है, तो आप ऐसा जय का लगाओ और जय कार्य में जिनका नाम आएगा कुंड में स्नान पूजा वो राधे श्याम सीता। तो राधा नाम पे आया, राधा कुंड में स्नान पूजा होगा आपके में होगा। भगवान बोले राधा जी से आपके कुंड में स्नान पूजा करने से आप क्या दोगे। तो राधा जी बोली जो मेरे कुंड में स्नान पूजा करेगा उसको मैं धन और संतान दूंगा। भगवान से बोले राधा जी आपके कुंड में स्नान पूजा करने से आप क्या दोगे। भगवान बोले जो मेरे कुंड में स्नान पूजा करेगा उनको भाव भक्त। तो साहब में एक बार लगता है मेरा अष्टमी का हुई था, जिसके संतान नहीं होती हो, बच्चे जी नहीं पाते हैं, जिनके लड़की है लड़का नहीं है, या होके मर जाएँ, या किसी के बीच में छिंच जाएँ, या ब्याह शादी कारोबार को परेशानी हो, तो दोनों जोड़ाते नहा पति पत्नी, और जो कपड़े पहन के नहाते हैं कपड़े ऊपर छोड़ जाते हैं, और इसके अंदर फल छोड़े, जो इसके अंदर फल छोड़ोगे वो फल नहीं खाओगे जब तक कामना पूरी नहीं, जब कामना पूरी हो जाएगी तो आके पूजा करेंगे, तब राधा जी की श्रृंगार बस्ती लेगा या कम आता। जैसे राधा जी सीधी है स्वामी में तो उनको कुंड और सीधा है, भगवान नटखट है मुकट और चाल टी रही है, कुंड कुंड टेढ़ा है, कुंड टेढ़ा की जय। राज महाराज की जय। ये कुसुम सरोवर है, आप सभी कुसुम सरोवर के दर्शन कीजिए, रात्रि में कितना मनोहर दर्शन है। यहाँ प्रिय प्रथम सरकार की रासलीला होती है, जय राधे जय जय।
जय राधे जय जय राधे। राधा रानी के हाथ में डलिया थी, गिर गई, डर गई राधा रानी। तो भगवान को ये देख के ना हंसी आ गई, और भगवान जैसे ही झुके फूल उठाने के लिए तो उनकी बांसुरी दिख गई राधा रानी। तो राधा रानी पहचान गई ठाकुर जी, ठाकुर जी। फिर विहार हुआ राधा रानी का, श्रृंगार ठाकुर जी ने पुष्पों से किया, और राधा रानी का श्रृंगार ठाकुर जी ने। और ये कुसुम मन है, ये कुसुम सरोवर है। और यहाँ पर नारद जी का भी बताया जाता है कि नारद जी की तपस्थली पहली, सबसे पहली भागवतम जो उद्धव जी ने सुनाई थी, 16108 जो रानियाँ थी, ये वो स्थान है जहाँ पर मुख्य जो कथा भागवत की प्रथम कथा उद्धव जी ने सुनाई थी। और उसके बाद जब गोपियों जो रानियाँ थी ना, भगवान जब चले गए धाम अपने लीला का स्मरण करके, तो जो रानियाँ थी पटरानी बहुत उदास रहती थी, बहुत उदास रहती थी कि भगवान का विरह उनसे सहन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जब वो आई, तो जब यहाँ पर सब एकत्रित हुए तो बताया गया जो उनके पुरोहित या कुल पुरोहित जो ब्रिज के थे, भगवान के जो कुल के पुरोहित हैं ब्रिज के, नहीं नहीं शांडिल्य जी, शांडिल्य जी, शांडिल्य जी ने बोला कि यहाँ पर जो यशो जो थी जमुना महारानी वो बहुत प्रसन्न थी, उनको ऐसा लगता ही था कि भगवान का विरह है, वो सदैव भगवान की, भगवान का संग ऐसा लगता था कि वो संग में ही है भगवान, भगवान की उन लीलाओं को स्मरण करके भगवान के नित्य संग रहती थी। तो जब बाकी रानियों ने देखा कि आप इतने प्रसन्न कैसे हैं, भगवान का तो विरह हो गया और हम लोग इतने दुखी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान के जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करती रहती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि भगवान से मेरा वियोग हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि उद्धव जी इस जो कथा है भगवान की लीला है उसको यदि सुनाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग, हाँ नारद कुंड, ये नारद कुंड, ये नारद जी का भी, ये नारदेन्द्र कुंज के गुरुदेव का स्थान है, नारद कुंड। प्रणाम प्रणाम। थोड़ा सा ऐसे ही रात को हम नहीं जाते हैं, हम दिन में दर्शन कभी करेंगे नारद कुंड, क्योंकि ये नारद जी की स्थली है, यहाँ नारद जी ने भगवान के लिए तपस्या की है, भगवान की उसमें भगवान के स्मरण में। यहाँ तो पे वो बोलते हैं कि कुछ घड़ी नारद जी के भी कुछ घड़ी तक कहीं रुक सकते हैं, पर यहाँ पर वो थोड़ा ज्यादा समय रुक सकते हैं। नारद जी यहीं हरे कृष्ण गुरु जी जी, जय श्री राधे। आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री बरसाना धाम के, ये बरसाने की गलियां हैं राधा रानी की, जहां हमारी श्री जी भ्रमण करती थी। जय जय श्री राधे। ओ वृंदावन अपार रटे जा राधे राधे। यहाँ पर आप बहुत सुंदर सुंदर गोपी ड्रेस ले सकते हैं। जब कहानी न समझे ज्ञानी ज्ञानी, या मेरे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन पार लटे जा राधे राधे, जो राधा नाम न हो तो ब्रजराज हमारो रो तो, जो राधा नाम
न हो तो ब्रजराज हमारो रो तो, और ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम रटे जा राधे। ये देखिए छोटे छोटे बाल गोपाल जी कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस मिल रही है, आप सभी यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस भी खरीद सकते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, राधा रानी का जन्म स्थान। यहाँ पर आप बहुत ही स्वादिष्ट लस्सी पी सकते हैं। ये प्रिया जी मिष्ठान भंडार है ऊपर ऊपर, और हम कचौड़ी खाएंगे और लस्सी पियेंगे। जय श्री राधे। हम श्री जी के महल की ओर जाते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, बोलिए प्रभु जी। राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बोलिए वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली, जय राधे 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 बरसाने वाली। वृंदावन का कण कण बोले जय राधा राधा, रसिक जनों की वाणी बोले। ये हमारी श्री जी का बरसाना है। यहाँ हर सीढ़ी पे श्री राधा राधे कहते हुए जाना चाहिए, उससे ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। श्री जी के महल के दर्शन कीजिए आप सभी। सुदिली जो हमारी हे राधारा हे श्यामा प्यार। ये हमारी लाडली जी को महल आ गया है। कितने का है? हे राधा हे लाडली लीजे हमारे, हे राधारा हे श्याम। जय जय श्री राधे।